नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। दिस वीडियो इज अबाउट यूटोपिया एंड डिस्टोपिया। ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही इनसे रिलेटेड वर्क के बारे में भी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। द टर्म यूटोपिया डिजाइनेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल writings that represent an ideal but non-existent political and social way of life. Utopia का मतलब क्या होता है कि ऐसा fictional world जो exist नहीं करता है, चाहे political form में हो या social form में हो, that is non-existent. ठीक है, ideal तो होता है लेकिन ये non-existent होता है, ना तो political form में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ना social form में। तो लिटरेचर में यूटोपिया का मतलब है फिक्शनल राइटिंग्स जो कि आइडियल होता है बट नॉन एग्जिस्टेंट होता है पॉलिटिकल या सोशल वे में। इट डिराइव्स फ्रॉम यूटोपिया 1515 टू 16 अ बुक रिटन इन लैटिन बाय द रेनिशा ह्यूमनिस्ट सर थॉमस मोर विच डिस्क्राइब्स अ परफेक्ट कॉमनवेल्थ। तो ये जो यूटोपिया टर्म है ये कैसे पॉपुलर होता है, तो सर थॉमस मोर जो है यूटोपिया अपना एक बुक लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लेटर ऑन इसे इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट किया जाता है। ये रेनेसा ह्यूमनिस्ट है, तो इनकी ये जो बुक है यूटोपिया बहुत ही फेमस है। इसका सेकंड टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर। तो यूटोपिया में इन्होंने अपने इस वर्क में ऐसी प्लेस का क्या किया है, इमेजिनेशन किया है जैसा प्लेस अभी इस वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है और नहीं एग्जिस्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी है। बिकॉज इन्होंने एक आइडियल स्टेट को इमेजिन किया है और ऐसा आइडियल स्टेट जो है वो फिक्शन में ही हो सकता है, इमेजिनेशन में ही हो सकता है, बट रियल में नहीं हो सकता है। तो सर थॉमस मोर ने अपनी बुक यूटोपिया में एक ऐसे साम्राज्य की बात की, एक ऐसे स्टेट की बात की है, एक ऐसे कंट्री की बात की है जहाँ पे एवरीथिंग इज आइडियल, सब कुछ आइडियल होता है, परफेक्ट कॉमनवेल्थ होता है, वहां पे हर चीज परफेक्ट होता है, किसी के साथ गलत नहीं होता है, सब कोई खुश होता है, कभी कोई दुखी नहीं होता है। तो इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा प्लेस हो सकता है इस वर्ल्ड में जहाँ पे हर कोई खुश हो और इक्वली खुश हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तो यूटोपिया का मतलब होता है कि क्या होता है, इसका यूटोपिया का मतलब कि एक आइडियल ये टर्म होता है जो आइडियोलॉजी पे क्या करता है, बिलीव करता है। जैसे प्लेटो का रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक में भी प्लेटो ने क्या बताया है, उन्होंने यही बताया है ना कि एक आइडियल कंट्री कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। इसी वजह से प्लेटो ने कह दिया कि जो पोएट होते हैं वो आइडियल नहीं होते, उनको ऐसे स्टेट से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उनका एवरीथिंग क्या होता है, झूठ के बेस पे होता है। झूठ इन द सेंस दैट क्योंकि वो प्लेटो के लिए वो झूठ होता है, बट फॉर द पोएट वो एक इमेजिनेशन होता है। तो यहाँ पे यूटोपिया से ही, यूटोपिया जो टर्म है वो काफी पॉपुलर होता है थॉमस मोर के बुक यूटोपिया से। और यूटोपिया का सेकंड टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर, मतलब ऐसा किंगडम जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस वर्ल्ड में। द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ द लिटरेरी टाइप्स वॉज प्लेटोस रिपब्लिक। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यूटोपियन जो लिटरेरी वर्क है उसका सबसे पहला एग्जाम्पल प्लेटो का रिपब्लिक माना जाता है, जो कि लेटर 4th century BC के टाइम में लिखा गया था। प्लेटो ने अपनी वर्क रिपब्लिक में क्या बताया था, एक आइडियल स्टेट की इमेजिनेशन की थी और उन्होंने कहा था कि एक आइडियल स्टेट होना चाहिए जहाँ पे हर कोई खुश हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में इन्होंने कहा था कि जो पोएट है वो क्या होते हैं, पोएट लोग सोसाइटी को और जो न्यू जनरेशन है उन्हें बिगाड़ते हैं क्योंकि दे कैन राइट एनीथिंग, और कुछ भी वो लिख लेते हैं, कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, सब कुछ झूठ के बेस पे होता है, कुछ भी इमेजिनेशन कर लेते हैं और हर चीजों को बहुत ओपनली वो लिखा करते हैं। तो इस वजह से जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, वो बिगड़ जाएंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है, मानना था। तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि एक आदर्श कंट्री में पोएट्स और पोएटिक जो पोएटिकल वर्क है वो नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे, अगर यूटोपियन वर्क का एग्जाम्पल पूछा जाए तो प्लेटो का रिपब्लिक, सर थॉमस मोर का यूटोपिया, और इसकी टाइम याद रखेंगे 1515 से 16। मोस्ट यूटोपियाज लाइक दैट ऑफ सर थॉमस मोर रिप्रेजेंट दियर आइडियल स्टेट इन द फिक्शन ऑफ अ डिस्टेंट कंट्री रीच्ड बाय अ वेंचरसम ट्रेवलर।
ज्यादातर जो ऑथर्स होते हैं जो यूटोपिया टाइप के वर्क लिखते हैं, वो किस तरह के वर्क लिखते हैं, किस तरह के आइडियल स्टेट का एक जो इमेजिनेशन है वो प्रेजेंट करते हैं, तो एक ऐसे आइडियल फिक्शनल स्टेट का वो इमेजिन करते हैं जो कि कहीं दूर होता है, काफी दूर डिस्टेंट कंट्री में होता है, और उसे कौन रीच करता है, कोई जो एडवेंचरस पर्सन होता है, ट्रेवलर होता है, वो उस कंट्री को क्या करता है, डिस्कवर करता है। तो ऐसा टॉमस मोर चाहे इनके जैसे जो दूसरे ऑथर हैं जो यूटोपिया लाइक वर्क लिखते हैं, वो इसी तरह का क्या करते हैं, जो कंट्री है, आइडियल स्टेट है, प्रेजेंट करते हैं जो कि कहीं दूर, बहुत दूर कहीं होता है। और उस तरह के जो आइडियल स्टेट होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, उसे रीच कौन करता है, डिस्कवर कौन करता है, तो एक एडवेंचरस जो ट्रेवलर होता है वो। There have been many utopias retained since Moore gave impetus to the genre, some as mere arcane dreams, others intended as blueprints for social and technological improvements in the actual world. तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि सर टॉमस मोर के अपनी बुक यूटोपिया लिखने के बाद ऐसे बहुत सारे ऑथर हुए जो जिन लोगों ने इस जॉनर पे वर्क किया है, उन्होंने आर्केडियन ड्रीम्स को प्रेजेंट किया है, और कुछ जो ऑथर हैं यूरोपियन टाइप के, वो एक्चुअल वर्ल्ड में जो सोशल और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स है उसके ब्लूप्रिंट्स को वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि कुछ सोशल और टेक्नोलॉजी के बेस पे कुछ इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में होना चाहिए। मीन्स सोसाइटी में इतने सारे क्राइम्स या इतने सारे निगेटिव चीजें जो होती है, दैट शुड नॉट बी, ऐसा ऑथर अपनी वर्क्स में प्रेजेंट करते हैं। तो सारे जो वर्क्स होते हैं यूटोपिया टाइप के, ऐसा नहीं कि 100% उसमें यूटोपिया ही हो, आइडियल कंट्री हो, कुछ उसमें यूटोपिया टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो देखने को मिल सकता है। कुछ ऑथर जो हैं कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्म चाहते हैं सोसाइटी में, कुछ ऑथर किसी तरह का पर्टिकुलर रिफॉर्म चाहते हैं, तो वो सभी वर्क जो होते हैं वो यूटोपिया टाइप के वर्क होते हैं। अब इस तरह के वर्क कौन कौन से देख लेते हैं, दे इंक्लूड टोमासो कैंप कैंपेनुला सिटी ऑफ द सन। टोमासो कैंपेनुला का वर्क है सिटी ऑफ द सन, 1623 का यूटोपियन वर्क है। फ्रांसिस बेकन का न्यू अटलांटिस, 1627 का वर्क है, इसे तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन पूछता है इसमें से। एडवर्ड बिलेमिस का लुकिंग बैकवर्ड है, 1888 का। विलियम मॉरिस का न्यूज फ्रॉम नोवेयर, 1891 का। चार्लोट पर्किंस गिलमेंस का हरलेन, 1915 का। और जेम्स हिल्टन्स लॉस्ट होराइजन, 1934 का। तो इसमें से सारे वर्क्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना होगा, बस उनके ऑथर, उनके वर्क्स याद रखिए और उनके डेट याद रखिए। पूछ सकता है कि ये वर्क्स किस ऑथर का है या फिर ये किस तरह का वर्क है, यूटोपियन टाइप का वर्क है, और बहुत ज्यादा पूछेगा तो क्रोनोलॉजी दे देगा सेट करने के लिए, तो वो आप याद रखेंगे। थोड़ा बहुत डिटेल में अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो न्यूज फ्रॉम नोवेयर जो विलियम मॉरिस का, इसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। चार्लोट पर्किंस गिलमेंस का हरलैंड और जेम्स हिल्टन का लॉस्ट होराइजन, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है तो इसे कुछ थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसे डिटेल में। द यूटोपिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिटरेरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इमेजिनरी प्लेसेस विच आइदर बिकॉज दे आर inordinately superior to the present world or manifest exaggerated versions of some of its unsavory aspects, so primarily as vehicles for satire on contemporary human life and society. यहाँ पे दिया है कि कुछ यूटोपिया जो होते कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिटरेरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इमेजिनरी प्लेसेस, तो जो इमेजिनरी प्लेसेस के लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन है उससे भी यूटोपिया को थोड़ा सा डिफर किया जा सकता है। कुछ ऐसे वर्क्स हैं इस वर्ल्ड में जो इस प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या होते हैं, वो सुपीरियर हो सकते हैं या एग्जेजरेटेड वर्जन हो सकता है उनका। तो इस तरह के वर्क क्या होते हैं, एक तरह के सोर्स होते हैं सेटायर के कंटेम्परेरी ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पर। मीन्स ऐसे कुछ वर्क्स होते हैं जो कंटेम्परेरी ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पर सेटायर प्रेजेंट करते हैं विद द मीडियम ऑफ यूटोपिया। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ बुक है जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल। तो जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल जो नॉवेल है, 1726 का नॉवेल है, बहुत ही फेमस वर्क है।
इसका फोर्थ बुक है, आपको इस तरह के सिटायर इसमें देखने को मिल सकता है जो ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पे सिटायर करता हो, और सैमुअल बटलर्स का अर्वोन करके है 1872 का वर्क, सैमुअल जॉनसन का रेसलेस है 1759 का, और इसमें क्या प्रेजेंट किया गया, हैप्पी वैली दिखाया गया है, विच फंक्शंस एज जेंटल सिटायर ऑन ह्यूमैनिटीज स्टुबर्न बट होपलेस ड्रीम ऑफ यूटोपिया। मतलब यूटोपिया टाइप के वर्क जो ऑथर्स वगैरह होते हैं, यूटोपिया टाइप के वर्क लिखते हैं और इमेजिन करते हैं कि इस तरह की दुनिया हो सकती है जहाँ पे सब लोग खुश हो सकते हैं, तो उस तरह की चीजों पे यहाँ पे ये जो वर्क्स दिए हैं वो क्या करते हैं, सटायर करते हैं इस तरह के यूरोपियन ड्रीम पर। इनका कहने का मतलब कि हैप्पी वैली टाइप की कोई चीज होती नहीं है इस वर्ल्ड में जहाँ पे हर कोई बहुत खुश हो, ऐसा कोई जगह नहीं इस वर्ल्ड में जहाँ पे हैप्पी वैली जैसी कोई चीज हो, कोई जगह हो, कोई प्लेस हो जहाँ पे हर कोई खुश हो। तो इन लोगों ने ये जो वर्क्स हैं और ऑथर हैं, इन लोगों ने इन वर्क्स के माध्यम से एक तरह से जेंटल सटायर की है कि जो यूटोपियन ड्रीम है एक तरह से वो क्या होपलेस है, कोई मतलब नहीं यूटोपियन ड्रीम का। आप इमेजिन कर लो कि ऐसी कोई दुनिया है जहाँ पे हर कोई खुश हो सके, तो इस तरह का जो उम्मीद है दैट इज वो क्या है, इनकम्प्लीट, कभी कम्प्लीट नहीं हो सकता है, फुलफिल नहीं हो सकता है। तो उसी पर सिटायर किया है इन लोगों ने, एक जेंटल सिटायर प्रेजेंट किया है कि यूटोपिया टाइप का कोई भी प्लेस नहीं हो सकता है इस वर्ल्ड में, क्योंकि परफेक्शन इज नोवेयर, नो वन इज परफेक्ट एंड नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। Not only does Rasselas discover that no mode of life available in this world guarantees happiness, he also realizes that the utopian satisfaction of all human wishes in the happy valley serves merely to replace the unhappiness of frustrated desires with the unhappiness of boredom. तो रैसेलेस के माध्यम से जो ऑथर है ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हैप्पीनेस की गारंटी दे, और साथ में यहाँ पे ऑथर ये भी रियलाइज करते हैं कि यूटोपियन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन विशेस इन द हैप्पी वैली सोर्स मेयरली टू रिप्लेस द अनहैप्पीनेस ऑफ फ्रस्ट्रेटेड डिजायर्स। तो जो हैप्पी वैली यानी कि वो ऑथर जो यूटोपिया वाले ऑथर हैं, वो हैप्पी वैली की जो इमेजिनेशन करते हैं जहाँ पे वो दिखाते हैं कि हर कोई खुश है, सभी लोग आदर्शवादी हैं, तो ये ऑथर कहते हैं जो यूटोपिया पे कमेंट कर रहे हैं, एक तरह से सटायर कर रहे हैं, उन ऑथर का मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जो हैप्पीनेस की गारंटी दे, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट जो डिजायर होते हैं, जो हमारे अनहैप्पीनेस फ्रस्ट्रेट डिजायर्स होते हैं उसको रिप्लेस करने का एक छोटा सा तरीका है। मतलब एक ऑथर यूटोपिया जैसी कंट्री की इमेजिनेशन करता है तो मतलब कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो इस तरह की दुनिया की इमेजिनेशन करता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, उनकी जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो उसी को एक तरह से क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हैप्पी वैली को दिखाया गया है, जहाँ पे ये दिखाया गया कि जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और उनकी हर विशेस पूरी हो जा रही है, एंड दे ऑल आर हैप्पी, दे ऑल आर व्हाट दे ऑल आर फॉलोइंग आइडियलिज्म। नाउ we will just see the opposite term dystopia. तो utopia का जो opposite term है dystopia, इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, bad place. जैसे utopia का मतलब होता है good place, तो dystopia का मतलब होता है bad place. Has recently come to be applied to work of fiction including science fiction. तो dystopia जो word है इसको science fiction में include किया गया है, उसके लिए इस term को apply किया गया है. That represent a very unpleasant imaginary world in which ominous tendencies of our present social, political and technological order are projected into a disastrous future culmination. तो dystopia का मतलब क्या होता है, bad place, मतलब ऐसी जगह जो कि bad हो, और इस तरह का जो term है ज्यादातर science fiction में apply होता है। तो आप लोग देखेंगे कि वो author जो science fiction लिखा करते हैं, dystopia type के work वो लिखा करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं
कि अनप्लीजेंट वो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहां पे लोग दुखी दुखी और परेशान हैं। इन विच ओमिनस टेंडेंसीज ऑफ आवर प्रेजेंट सोशल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर आर प्रोजेक्टेड। और उसमें क्या दिखाया जाता है कि जो प्रेजेंट सोशल पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर है वो सभी क्या डिजास्टरस है, और वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, सबके लिए एक तरह से डेंजर क्रिएट करने वाला है। अब सपोज दैट बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हो रहे हैं वर्ल्ड में, साइंस डेवलप साइंस के फील्ड में बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वर्ल्ड में क्या होगा, डिजास्टर क्रिएट होगा ना, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी चीजें जो है मशीन के द्वारा हो रहा है, जो काम पास्ट में क्या होता था ह्यूमन बींग किया करते थे वो काम आज के डेट में मशीन कर रही है, तो वो डिजास्टर है कि नहीं। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही, इसी की वजह से, क्योंकि हर जगह मशीन का काम हो गया है, तो जब हर जगह मशीन का काम हो गया तो बेरोजगारी ऑब्वियसली बढ़ेगी। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक में कर्मचारियों की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मशीन की वजह से, साइंस में डेवलपमेंट की वजह से बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग है इससे इफेक्ट हो रहे हैं। ह्यूमन बींग भी लेजी होते जा रहे हैं डे बाय डे, वो आराम प्रस्त होते चले जा रहे हैं, उन्हें हमेशा आराम चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है डिजास्ट्रस हो सकती है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ऐसी ही दुनिया को इमेजिन की जाती है डिस्टोपियन टाइप के वर्क में। एग्जाम्पल्स देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी आपको मस्ट याद करना होगा, और याद ही नहीं करना होगा ये सारे बुक्स और ऑथर्स और इनके डेट्स, साथ में इनको डिटेल में स्टडी भी आपको करना होगा। तो लेट अस सी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डर्स हक्सले का वर्क है, फेमस वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1932 का वर्क है, डिस्टोपियन वर्क है। तो यहाँ पे ये जितनी एग्जाम्पल है डिस्टोपियन वर्क्स के एग्जाम्पल है, इन्हें आपको रट डालना है और इनको डिटेल में स्टडी भी करनी है। तो एल्डर्स हक्सले का है ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932, जॉर्ज ऑरवेल का 1984, ये 1984 कोई डेट नहीं है, ये जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल का टाइटल है 1984, जो कि पब्लिश होता है 1949 में। मार्गरेट एडवुड का वर्क है द हैंडमेड्स टेल, 1986 का वर्क है। उर्सुला के लीग्विंस का वर्क है द डिस्पोज्ड एंड एम्बिगुअस यूटोपिया, 1974 का वर्क है, और इसमें यूटोपियन और डिस्टोपियन दोनों तरह के जो सिनारियोस हैं उसको प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो दो तीन वर्क आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, एल्डर्स हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932, उसके बाद आता है जॉर्ज ऑरवेल का 1984 में ये पब्लिश होता है, मार्गरेट एडवुड का द हैंडमेड्स टेल 1986 में, और इन्हें क्रोनोलॉजी में ही सेट किया गया है। इनकी क्रोनोलॉजी भी आप लोग याद रखेंगे, ऑथर की नेम तो याद रखना ही है वर्क के साथ और इनकी डेट के साथ, साथ में थोड़ा डिटेल में स्टडी भी आप लोग कर लेंगे तो बेटर होगा। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जो भी कुछ बताया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा, तो और ज्यादा कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्लियर तो कर दिया गया है, बट एक अगर कोई डाउट हो तो एक दोबारा और देखेंगे वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में याद करने के लिए क्या है, आपको डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि यूटोपिया किस का मतलब क्या होता है। तो यूटोपिया का मतलब अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन द इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो यूटोपिया का मतलब कि एक ऐसा जगह जो सिर्फ कल्पनाओं में, फिक्शन में ही पॉसिबल है और जहां पे हर चीज परफेक्ट है, ठीक है। और डिस्टोपिया का मतलब जस्ट उसके अपोजिट, जो कि बैड प्लेस है और वहां पे एवरीथिंग इम्परफेक्ट, सब कुछ इम्परफेक्ट है। और इनसे रिलेटेड जो वर्क्स और ऑथर हैं उसे आपको याद करने होंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. Be happy. Keep smiling.